हाय गाइस, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड नीचे बेल बटन को भी हिट कर देना फॉर ऑल न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके गाइस, सो अभी का सिनेरियो आप सब पता है क्या चल रहा है। कोविड का सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड आई होप आप लोग इस पैंडेमिक में सेफ हो, अपने घर पे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड फिलहाल अपने घर पे हूँ। एंड जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आई होप आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। आप लोग मेरे प्रेयर्स में हो, मैं भगवान जी से दुआ करूंगी कि आप जल्द से जल्द रिकवर कर जाओ एंड ज़्यादा टेंशन मत लेना। एंड जो लोग ठीक है प्लीज़ अपना ध्यान रखें एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखें। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon होम डेकोर हॉल। मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें Amazon से मंगवाई थी, कुछ मैंने रिसीव कर लिया है, कुछ अभी भी मैंने रिसीव नहीं किया है, बहुत डिले हो रहा है शायद कोरोना की वजह से। एनीवेज, जितना मैंने रिसीव किया है वो सब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई वीडियो। ओके गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम। एक मैश बोर्ड मैंने मंगवाया है एंड एग्जैक्ट साइज तो मुझे ध्यान में नहीं है बट अच्छा खासा बड़ा है, आप देख सकते हो स्क्रीन में नहीं आ रहा है। एंड गाइस, आपको इस मैश बोर्ड के साथ कुछ इस तरीके के बास्केट्स भी मिलते हैं। ये देखो, तीन बास्केट्स हैं, ये रहा एंड ये रहा। इसको इसमें हैंग करना रहता है, बहुत ही सिंपल है। देन कुछ कलरफुल क्लिप्स भी हैं, ये रहा। इसमें डेज मेंशन किए गए हैं लाइक मंडे टू सेवन से। एंड आपको पता है इस तरीके के मैश बोर्ड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ है। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसे अपने स्टडी टेबल के पास यूज़ कर सकते हो। देन उसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स हैंग कर सकते हो क्लिप्स की हेल्प से। एंड ये जो बास्केट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आप अपने पेन होल्डर वगैरह रख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हो या फिर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो या अगर आप कुछ इस तरीके खरीदने का सोच रहे हो देन आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। प्राइस मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है बट जो भी प्राइस होगा मैं वो स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। एंड साइज़ की बात करें तो अच्छा खासा बड़ा है, मुझे एग्जैक्ट साइज़ ध्यान में नहीं है बट काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है। एंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है, आप इसे बाय कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक नाइट लैम्प लिया है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका जो बॉटम है ना, ये वुडन है जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके साथ बल्ब आया था ऑलरेडी। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने जितने भी नाइट लैम्प्स देखे थे ना, सब ऑलमोस्ट इसी रेंज के थे। ये आई गेस 1200 कुछ का है एंड सारे के सारे इसी रेंज के थे, तो मुझे ये बेस्ट लगा दिखने में भी। एंड हाइट भी इसकी अच्छी खासी है, तो अगर आप नाइट लैम्प लेने का सोच रहे हो तो आप इसे बाय कर सकते हो। एंड ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाती हूँ। बाद मैंने लिया है वुडन रैक्स जो कि तीन का सेट है, आप देख सकते हो। ये मुझे बहुत ही रीजनेबल लगा प्राइस इसका, 300 समथिंग है। 300 में तीन का सेट आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। एंड इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। आई थिंक ब्लैक कलर में भी अवेलेबल था पर मैंने व्हाइट लिया बिकॉज आजकल मुझे व्हाइट चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। एंड इससे पहले जो आपने मैश बोर्ड देखा ना, उसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने व्हाइट लिया बिकॉज मुझे व्हाइट चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं आजकल। एंड ये भी व्हाइट ही लिया है मैंने, अपने बेडरूम के लिए लिया है। इसमें हल्का सा डिफेक्ट है आई थिंक छोटे वाले में, इसमें दिखा दी। ये देखो, यहाँ पे हल्का सा प्लाई निकला हुआ है बट जब मैं इसे दीवार में लगाती हूँ ना तो ये पीछे की तरफ जाता है, नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इसे रख लिया। सो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इस तरीके के रैक्स बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में आप लगाओ, कहीं भी लगाओ बहुत अच्छा लगता है। एक जरूरी बात जो कि मैंने आपको बताया नहीं, ये जो रैक है ना, इसे पार्ट्स अलग अलग आए थे। लाइक ये दोनों अलग अलग थे, मैंने कारपेंटर से फिक्स करवाया है बट डोंट वरी, इसके साथ आपको नेल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। एंड अगर आप DIY वगैरह करते रहते हो, आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो आप इसे खुद से फिक्स कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देन मैंने एक ड्रीम कैचर लिया है जो कि बिल्कुल बिन चाइम जैसा है बट बहुत ही सुंदर है। ऐसा बोलते हैं कि ड्रीम कैचर लगाने से बुरे सपने नहीं आते हैं, सो लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोच लिया था अगर ड्रीम कैचर लूँगी तो मैं यही वाला लूँगी। एंड ये देखो, इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, पर्ल्स की वजह से ये और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे बाय कर सकते हो। आप जहाँ भी इसे लगाओगे ना, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे अपने कर्टन्स में लगाने वाली हूँ बेडरूम में,
तो आप सबको बहुत जल्द मेरे मेकओवर वीडियो में ये देखने को मिलेगा, सो उसे मिस मत करना, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। इसके बाद जो आइटम मैंने लिया है ना वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, साइज में काफी बड़ा है, हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे वो आइटम है। इट्स अ शू रैक जिसका अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। ओके गाइस, सो दिस इज अ शू रैक जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड अगर लुक वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, व्हाइट एंड लाइट ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट ये देखने में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड स्टर्डी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओवरऑल ये देखने में कैसा है। तो आप इसे डोर देख सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश है, एंड ये ऐसे रैक्स, इसमें आराम से आपके 12 जोड़े जूते आ जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे। एंड ये पार्टिकल बोर्ड का बना हुआ है, सो आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो, मैक्स नो साइड हो जाओ। एंड इसकी क्वालिटी फिर भी ठीक है, बट बैक में जो यूज़ किया गया है ना वो पतला सा कार्डबोर्ड है, सो आई डोंट नो गाइस ये कब तक चलेगा। देन मैंने एक छोटा सा सेरामिक का फ्लावर वास लिया है, अगेन वाइट कलर में, एंड इसमें कुछ इस तरीके डिज़ाइंस बने हुए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है, आप इसे परचेस कर सकते हो। एंड मैंने फ्लावर वास लिया है तो डेफिनेटली फ्लावर्स तो लिए होंगे, सो ये रहे फेक फ्लावर्स, दिस इज़ फ्रॉम फोर वॉल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है जो कि फेक प्लांट्स बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें टोटल 9 सनफ्लावर्स है या एंड एक्चुअली में ये ऐसे ही मैंने रिसीव नहीं किया था, फ्लावर्स अलग थे एंड लीफ वाला पोर्शन अलग था, इसमें होल्स बने हुए हैं, आपको सिंपली इसमें डालना है लाइक दिस, दैट्स इट। अभी मैं आपको इसमें रख के दिखाती हूँ कैसा है, आई थिंक परफेक्ट। देन मैंने एक क्यूट सा वॉच लिया है, यूनिकॉर्न वॉच, जो कि मेरी डॉटर को बहुत पसंद है। एक्चुअली हम ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे थे अमेजोन में, तो पीयू की नज़र इस पर पड़ी तो उसने बोला लेने को, तो मैंने उसके लिए लिया। बहुत ही अच्छा है, यूनिकॉर्न बना हुआ है, इसके साथ आपको बैटरी भी मिलता है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, देखने में बहुत अच्छा है। ओके, सो दिस इज़ माई लास्ट परचेसिंग LED लाइट, एंड इसमें टोटल 20 बल्ब्स है जो कि जलने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप बल्ब का साइज देखो, अच्छा खासा बड़ा है, दैट्स वाई ये जलने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एंड ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, तो मैं आपको जला के दिखाती हूँ। पता है ये क्रिसमस के लिए बेस्ट है, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए तो परफेक्ट है, तो मैं आपको जला कर दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ओके, सो ये था आज का छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, एंड अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी आइटम पसंद आया है तो आप उसे परचेस कर सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल।